हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th के न्यूमेरिकल्स। हिंदी मीडियम में जो आपने हमारा वीडियो देखा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका हम आज न्यूमेरिकल्स आपके लेके आए हैं। इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात करूँ, कुछ बेसिक जानकारी आपको मैं न्यूमेरिकल्स के बारे में दे दूं। ये बात तो हर कोई जानता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल से बहुत से स्टूडेंट घबराते हैं, भागते हैं, खासकर जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो उससे बचते हैं या उनको उससे डर लगता है। मैंने इस बात को ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करें। तो आप लोगों ने या तो देखा होगा या नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके जो मेरे मोटिवेशनल वीडियो हैं उसमें एक वीडियो आपको मिलेगा, उसको आप जरूर देखिए, ताकि फिजिक्स न्यूमेरिकल के प्रति आपके दिमाग में कोई डर है यदि वो रिमूव हो जाए। एक्चुअल में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स डिफ़िकल्ट नहीं होते, एक्चुअल में हम उसको उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से उसको करना चाहिए। तो मैं पढ़ाने से पहले 2 मिनट आपसे बात भी करूं कि हमको फिजिक्स न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आप चाहे जिस बोर्ड को भी आप बिलोंग करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और दूसरा, IIT और NEET के प्रिपरेशन में ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो न्यूमेरिकल्स आपके दोनों फील्ड को कवर करेगा, और यदि आपका कॉम्पिटिटिव टारगेट है तो बिना न्यूमेरिकल्स के तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और बोर्ड एग्जाम में भी नियर अबाउट पूरे इंडिया में जितने भी बोर्ड होते हैं सब में फिजिक्स के पेपर में, CBSE में, जैसे मेरा लॉन्ग एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि नियर अबाउट 15-20 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स, हालांकि बोर्ड ने कभी कोई डिक्लेयर नहीं किया, किसी बोर्ड ने डिक्लेयर नहीं किया कि इतने मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन हम लोगों ने गेसिंग किया हुआ है कि 15-20 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको मेरा सजेशन है कि आप न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से करिए। बहुत से स्टूडेंट्स का बहुत दिन से डिमांड था कि सर न्यूमेरिकल्स के वीडियो बनाइए, लेकिन न्यूमेरिकल्स का नंबर तब आता है जब हमारा पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि मेरे न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपको मिलेंगे कैसे। तो सबसे पहले मेरा आपको सजेशन है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करिए, इसके अंकिक प्रश्न को आप सबसे पहले करिए, क्योंकि एनसीईआरटी को न्यूमेरिकल करने से आपको कई फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि बोर्ड एग्जाम में जनरली न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी की बुक्स आते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन कवर होते हैं। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता तो इसको कोरिलेट करता हुआ क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को ही करिए। यदि आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को 100% कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन आपको मिलता है, इससे आप बहुत प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि इसके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स की खासियत है कि उसमें हर तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन की वेराइटी बहुत है और कॉन्सेप्ट बेस्ट न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब हर न्यूमेरिकल में आपका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए सबसे पहले हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके बाद आईआईटी जेई पर जो स्पेशल क्वेश्चन मैं कवर करूंगा वो बात के वीडियो में आपको बनाऊंगा। तो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे कैसे, देखिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले पहली बात तो यह है कि आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुके रहना चाहिए। यदि आपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं किए हैं तो आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यदि चैप्टर ढंग से नहीं समझा है तो मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 तक है, फिर विभव धारिता, मैंने सब वीडियो 1 by 1 अपलोड किया है। तो जिस चैप्टर का मैं न्यूमेरिकल्स आपको करा रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वो चैप्टर आप रिवाइज कर लीजिए, पहला काम। दूसरा काम, यदि आप चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो दूसरा काम क्या है, उसमें जो फार्मूला यूज हुआ है, सूत्र
वो पूरा सूत्र आप लर्न कर लीजिए कि आप पूरे सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो चैप्टर आप तैयार करेंगे तो सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि उसको आपको सरल करना आना चाहिए। सरल करना आना चाहिए मतलब गुणा करना, भाग करना, लघुत्तम निकालना, ये चीज आपको आना चाहिए, क्योंकि इसका जो सरलीकरण है आपको ही करना है। सरलीकरण में मेरा कोई रोल नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके न्यूमेरिकल समझा दूंगा, लेकिन जब तक आपको भाग देना नहीं आएगा, गुणा करना नहीं आएगा, लघुत्तम निकालना नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एनी टाइम प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप अपने चैप्टर को बढ़िया से तैयार करिए, फिर फार्मूला रख लीजिए और आपको सरल करना आना चाहिए तो न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर वन बाई वन आपको एनसीईआरटी के पूरे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, बिना किसी डर के। ये आपका पहला क्लास है न्यूमेरिकल्स का। आप बहुत ध्यान इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए, और एक बार में समझ में नहीं आता दो तीन बार देखिए, फिर उसको आप रफ कॉपी में खुद से सॉल्व करके देखिए। मेरे बोर्ड में हर क्वेश्चन का स्टेटमेंट, उसका कथन डिस्प्ले होगा, जिसको आप ध्यान से पढ़िए। मैं बुक से भी रीडिंग करूँगा क्वेश्चन को, और इस तरह से आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक्स के हैं। यदि आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप टेस्ट बुक को सामने रख के भी मेरा वीडियो देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाय द वे आपके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में डिस्प्ले कर रहा हूँ, उससे आप उसको वीडियो पॉज करके आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन 1.1, इसका मतलब होता है एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट वन का मतलब होता है पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। देखिए स्टेटमेंट मेरे बोर्ड में डिस्प्ले हो रहा है, आप ध्यान से पढ़िए और मैं उसको रीड भी कर रहा हूँ। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों का परक्रमशः 2×10⁻⁷ कूलम तथा 3×10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस हर तरह के न्यूमेरिकल्स का करना है, क्योंकि आप इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो न्यूमेरिकल्स करने का पहला स्टेप यह है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या दिया है ये आप लिख लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, हो सके तो समझाने के लिए हम छोटा सा एक सांकेतिक चित्र ड्रा कर देते हैं। ये वायु अनिर्वात में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, यहाँ पर जो आर का मान है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। दो आवेशित गोले क्रमशः, ये पहला आवेशित गोला है सपोज ये Q1 है, तो Q1 का मान दिया है 2×10⁻⁷ कूलम, और दूसरा है Q2 का मान दिया हुआ है वो 3×10⁻⁷। इनके बीच कितना बल लगेगा, तो इनके बीच में कितना बल लगेगा ये आपको ज्ञात करना है। ये बहुत इजी है, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इजी क्वेश्चन से धीरे धीरे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिया है, लिखना है कि आपको दिया क्या क्या है। देखिए Q1 दिया है, Q2 दिया है, R दिया है। अच्छा ध्यान में रखेंगे, सभी क्वेश्चन को आपको SI यूनिट में बनाना है। तो जिस मान को CGS सिस्टम में दिया रहेगा उसको तुरंत आपको क्या करना है, SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे ये 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 3/100 ये मीटर हो जाएगा, दैट इक्वल ये एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 0.3 मीटर, और ये कूलम तो CGS सिस्टम SI यूनिट का यूनिट ही है। अब आप उस फार्मूला के बारे में सोचिए जिसमें बल आता है, दोनों आवेश आते हैं और दूरी नेचुरली कूलम का नियम है। यही मैं आपको बोला कि यदि चैप्टर के फार्मूले आपको लर्न हैं तो आपको इमीडिएट वो याद आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला लगाऊँ। तो चूँकि हमको पता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F=1/4πε₀Q1×Q2/r² होता है, बस इसमें आपको मान को भरना है। इसका इस नियतांक का मान होता है 9×10⁻⁹, 9×10⁹, और इनटू पहला आवेश का वैल्यू आपको दिया हुआ है ये 2×10⁻⁷, दूसरे का वैल्यू दिया हुआ है 3×10⁻⁷, और अपान ये आर का वैल्यू दिया है कितना, 0.3 और इसका स्क्वायर। क्लियर? दैट इक्वल, अब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है,
सबसे पहले आप 10 के घात जो संख्या है उसको एक साथ लिख दीजिए। ये पूर्णांक संख्या है 9 इंटू ये है 2 इंटू ये है 3, इसको एक साथ लिख लीजिए और इसके बाद 10 के घात को आप सॉल्व कीजिए। तो 10 की घात और ये 10 की घात, यहाँ पर आपको सॉल्व करना आना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इजी वे में बता सकूँ। दोनों का गुणा होगा तो घातांक नियम से इसके घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो 10 का घात कितना हो जाएगा 7 और 7 ये -4। अब इसको हम दो बार लिखें तो 0.3 इंटू 0.3 ऐसा लिखेंगे। अब आगे देखें, यहीं पर मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। यदि इसको मैं पूर्णांक में चेंज करूँ तो इसमें 10 का भाग होगा, तो इसको दशमलव को हटा के 10 का गुणा ऊपर कर दिया, इसके भी दशमलव को हटा के 10 का गुणा ऊपर कर दिया। इस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से। तो दशमलव को गुणा करने में प्रॉब्लम होता है तो उसको आप पूर्णांक बना लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 3 3 9, ये 9 के साथ में कैंसिल हो गया और ये हो गया 3 2 6 गुणित। अब यहाँ पर सॉल्व करिए, देखिए 10 का घात एक बार 2 हो गया, इसमें से ये धन है ये ऋण है तो घट जाएगा, तो 10 की घात ऋण 12 हो जाएगा, ये न्यूटन। इस तरीके से हो जाएगा इनके बीच लगने वाला बांध 6 × 10 की घात ऋण 12 न्यूटन। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, केवल आंकिक मान है, इसको आपको हल करना आना चाहिए और धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे। तो पहला आपका आंसर आया कितना, पहला आंसर है 6 × 10⁻¹। अच्छा, यहाँ पर ये वैल्यू को सॉरी मैं सॉल्व नहीं किया ना, ये 10⁻⁹ यहाँ पर भूल गया था मैं, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 7 7 14 ऋण 14 हुआ और ये 9 धन है तो इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो 14 में से 9 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 10 11 12 13 14 5 आ जाएगा ना, ये -5 आ जाएगा। मैं बस ऊपर को सॉल्व कर दिया था, ऋण 7 ऋण 7 जुड़ के ऋण 14 होगा, ऋण 14 में से आप 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 5 14 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इससे हो जाएगा 3, ये 3 इसका, क्योंकि आंसर आया हुआ है 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये मैंने केयर नहीं किया था, आप ध्यान रखें, इस तरह के इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मेरे बोर्ड में डिस्प्ले हो रहा है, आप क्वेश्चन को बोर्ड से ही बहुत ध्यान से एक बार पढ़िए और ये जानने का समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और उसमें दिया क्या है और उसमें ज्ञात क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है। 1.2 क्वेश्चन नंबर 1.2, माइक्रोकुलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्लियर? यहाँ पर उसी तरह का क्वेश्चन है, लगभग वैसी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 2 गोलाकार आवेश है, ये पहला गोला है 0.4 माइक्रोकुलम के किसी छोटे गोले पर, ये Q1 है और ये है 0.4 माइक्रोकुलम। ये दूसरा गोला है, इस पर आवेश है 0.8 μc मतलब माइक्रो कुलाम, ठीक है। इनके बीच में जो बल लगता है, इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो 0.2 न्यूटन है, ये दिया हुआ है और बोलता है दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है, दूसरे गोले पर पहले गोले का बल कितना है। दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, दोनों गोले के बीच की दूरी आपको पूछ रहा है r, तो एक कुलाम्स लॉ पर ही बेस्ड है। देखिए तो इसको भी अपन सॉल्व करें, इसका ए पहला आंसर निकालते हैं तो फार्मूला F=1/4πε₀Q1×Q2/r² ये हो जाएगा। अब इसको हमको r का वैल्यू फाइंड करना है, ये हमको ज्ञात करना है, तो r को आप इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, ठीक है। तो r को इधर पक्षांतर कर लें तो r² = हो जाएगा, इसका मान अपन भर देते हैं 9 × 10⁻¹, आर इधर पक्षांतर कर दिया × Q1, ये Q1 का मान भर देते ही है 0.4 और ये माइक्रो कुलाम में दिया हुआ है, इसको कुलाम में चेंज करेंगे तो कुलाम में चेंज करने के लिए 0.4 × 10⁻¹
-6 माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए 10^-6 का गुणा करना पड़ता है। यहाँ पर भी यदि हम इसको कूलाम में चेंज कर दें तो 0.8 × 10^-6 कूलाम हो जाएगा। अब इसके मान को यहाँ पर भरते हैं तो 0.4 × 10^-6 इसका मान हो जाएगा और इंटू Q2 का मान ये अपने पास 0.8 × 10^-6 अपान में ये F ट्रांसफर हो गया, R को ट्रांसफर किया तो बटे F और इसका मान है 0.2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। देखिए ये सरल करना ही आपको ढंग से आना चाहिए। देखिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले 10 के घात को आप सॉल्व कर लीजिए। पहले तो मैं 9 को लिख लिया, आर स्क्वायर 9 लिख लिया, इंटू इसको लिख लिया 0.4 और फिर लिख लिया इसको 0.8 इंटू। अब 10 के घात को आप सॉल्व करिए तो यहाँ पर 10 का घात ऋण 6 कितना हो जाएगा, ऋण 12 और ये कितना है 9, ये धन है तो कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 10^-3 और अपान में क्या है 0.2 इस तरह से। दैट इंप्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू देखिए यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये स्क्वायर में है, उधर भी यदि वैल्यूज को हम क्या क्या है स्क्वायर में यदि बना दें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं आपकी सुविधा के लिए सबको 10 में चेंज कर देता हूँ पहले, ठीक है। 9 का तो स्क्वायर होता है 3, तो 9 को 9 रहने दीजिए इंटू ये 0.4 को 4 लिखूँ मैं और इसको 8 लिखूँ तो दोनों के लिए 10 का भाग देना पड़ेगा 10 × 10 इंटू। अब देखिए इसको मैं 2 लिखूँ तो ऊपर 10 का गुणा करना पड़ेगा, या 10 हो गया, कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ मैं देखिए, × 10^-3। दैट इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू, अब जो कैंसिल होता है 10 के साथ कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये 10^1 है और ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, उसके साथ माइनस हो जाएगा तो ये हो गया 9। अच्छा यहाँ पर ये 2 भी है ना, 2 को लिखना भूल गए, ये 2 तो 2 को इसके साथ कैंसिल करा दीजिए 4 के साथ में। अब 10^1 है और ऊपर जाके ऋण 4 हो जाएगा, ये 9 इंटू ये 4 और इंटू ये भी 4 × 10^-4। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो सबका रूट निकालना है। दैट इंप्लाइज आर इक्वल टू, अब सबका रूट निकालें तो 9 का रूट कितना होता है 3, 4 का रूट कितना होगा 2, इस 4 का भी रूट कितना होगा 2 और 10^-4 है तो रूट निकालेंगे तो 10^-2 हो जाएगा। ये सॉल्व करने का थोड़ा आसान तरीका है। बाकी देखिए यहाँ से जो सॉल्यूशन है इसको आप अपने तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं जो जरूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करिए, यहाँ पर जैसा आपको सरल लगता है वैसा कर लीजिए। फिर भी मैं एक ईजी मेथड बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 × 6 × 6 × 12 तो 12 × 10^-2। यदि हम इसमें एक दशमलव, जनरली इसको हम सिग्निफिकेंट नंबर में सार्थक अंक में प्रदर्शित करते हैं, एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं तो 1.2 कर दें तो 1 10 का इसके साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10^-1 हो जाएगा और ये है मीटर में इसका आंसर आएगा मीटर। इस तरह इनके बीच का दूरी हो जाएगा 1.2 × 10^-1 मीटर। क्लियर आंसर कितना है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 12 × 12^-2, ठीक है इतना मीटर हो जाएगा। या सेंटीमीटर में आप इसको चेंज करना चाहेंगे, बाय द वे सेंटीमीटर में वैसे मीटर में ही आंसर देना चाहिए, ये आपका मीटर में आंसर 1.2। यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं 12 × 10^-2। अब सेकंड पार्ट में इस क्वेश्चन के क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है कि दूसरे गोले पर पहले कण कितना बल लगेगा, दूसरे गोले पर पहले के कण कितना बल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ से कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, तो जितने बल से ये इस पर बल लगाएगा उतने बल से ये भी बल लगाएगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 0.2 न्यूटन ही होगा, क्योंकि जितना बल पहला दूसरे पर लगाएगा उतना ही बल दूसरा पहले पर। तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझते जाना है, देखिए कि तो उसका आंसर 0.2 न्यूटन ही होगा क्योंकि पहला दूसरे पर जितना बल लगाएगा दूसरा पहले पर भी उतना ही बल लगाएगा। क्लियर, तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 आप रीड करिए,
मेरे बोर्ड स्टेटमेंट, मेरे बताने से पहले आप एक बार स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट क्या है देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारे बुक में क्या है, इसको निवेदा इसको करना नहीं है, ये तो केवल जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि भौतिक निर्देशांक सारणी का अनुपात का मान के अनुपात। ये क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पढ़ाया हुआ है, जो मेरा थ्योरेटिकल वीडियो आप देखेंगे वहाँ पर हमने ग्रेविटेशन और कूलम्स के जो बल उसका कंपेयर किए हैं। तो ये 3 न्यूमेरिकल नहीं है, 4 भी नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 5 भी नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.6, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन। ये तीनों न्यूमेरिकल्स नहीं है, वो चैप्टर में बताया जा चुका है आपको। ये 1.6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे। 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलम, आप रीड करिए बोर्ड से, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा QD बराबर -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। क्लियर, वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल का बल कितना होगा। एक वर्ग है अपने पास, एक फिगर बनाता हूं मैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को रीड करते जाइए और एक फिगर बनाइए। ये एक अपने पास एक वर्ग है, ये ए बी सी डी, ये वर्ग है और क्वेश्चन में बोला है QA बराबर 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर है QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, फिर आपको क्वेश्चन में बोला है आगे QB -5 माइक्रोकूलम, ये QB इक्वल टू है -5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर QC 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ पर QD का वैल्यू है। यहाँ पर एक खास बात देख रहे होंगे आप कि सब के साइन क्या है, अपोजिट है। QB कितना है, QB -5, QD भी -5 है, -5 माइक्रोकूलम। ये टू, ये -5। देखिए दोनों अपोजिट हैं, वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इक्वल परिमाण के हैं, इधर के अपोजिट इक्वल हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन में बोलता है वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम, ये इसका विकर्ण हो जाएगा और ये इसका विकर्ण हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर रखा है क्यू इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर क्यू इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला है इस पर लगने वाला नेट बल कितना होगा, मतलब इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा, यह क्वेश्चन बोला है। एक बार स्टेटमेंट को और ध्यान से आप पढ़िए स्टेटमेंट को और देखिए बल कितना होगा। यहां पर एक भुजा की लंबाई भी दिया हुआ है AB का, ये मान लो O बिंदु है, इसका दिया हुआ है वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए AB, BC, CD और DA ये सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे क्योंकि वर्ग है। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसमें हम 100 का भाग देते हैं मीटर बनाने के लिए, तो हो जाएगा 10^-1 मीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, ये मीटर में चेंज कर लिए, क्लियर, या सेंटीमीटर में भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इकट्ठे चेंज कर लेंगे लास्ट में अपन जहाँ पर जरूरत है। इसके बाद बोला है देखिए इसका ये निकाल लें यदि हम AC, ये इसका विकर्ण निकाल लें, तो AC विकर्ण का फार्मूला होता है √2 किसी भी वर्ग का जो डायगोनल है विकर्ण है वो √2 होता है। तो √2 यदि हम करना चाहें तो A क्या है, एक भुजा की लंबाई ये है 10, तो √2 ये सेंटीमीटर हो जाएगा और गिवन है आपको क्वेश्चन में। अब देखो ये सेंटर है, ये केंद्र है, तो OA OB OC और OD ये सब आपस में बराबर होंगे। Q
क्यों आपस में बराबर होंगे? क्योंकि ये जो वर्ग के विकर्ण हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया सबका वैल्यू, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू हो जाएगा 5√2, इसका आधा 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5√2। ये पूरे वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश है इसको ये क्या करेगा, क्यू ए प्रतिकर्षित करेगा, तो इस दिशा में इसमें बल लगेगा एफ ए, क्योंकि ये इसको सी की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। और 2 μC ये भी प्लस है, प्लस चार्ज इस प्लस 1 चार्ज को, क्योंकि 1 μC का धनात्मक है, ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो इस दिशा में बल लगेगा एफ सी। ये तो इस बिंदु पर दो बल हो गए, एफ ए इस दिशा में और एफ सी इस दिशा में, जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, ये जो बी आवेश है वो माइनस आवेश है, माइनस 5 है और ये प्लस है, ये प्लस क्यू, क्यू इक्वल टू 1 है, ये क्या करेगा इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और इधर आकर्षित करेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा एफ बी। ये हो गया एफ बी और ये भी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये हो जाएगा एफ डी। अब यहाँ पर हमको नेट फोर्स लगाना है। वैसे ये क्वेश्चन यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, मैं तो यहाँ पर बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी आपको समझा रहा हूँ, यदि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो इसका ओरल आंसर है, मैं आपको बता दूँ कैसे। देखिए एफ ए और एफ बी, तो इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, ये है ओ सी और ये है ओ ए, तो ओ सी और ओ ए तो बराबर है, तो इनके बीच की दूरी बराबर है और इसका परिमाण, इसका परिमाण, इसका परिमाण, इसका परिमाण बराबर है, तो नेचुरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर हो जाएगा किसके, एफ सी के। ये आपको ट्रिकी बता रहा हूँ मैं। उसी तरह से ये जो एफ बी है और ये एफ डी है, ये दोनों देखो परिमाण में बराबर, दिशा ठीक विपरीत है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एफ बी बराबर हो जाएगा किसके, एफ डी के। जब ये इसके बराबर हो गया तो इसको कैंसिल कर देगा, इसके बराबर हो गया इसको कैंसिल कर दिया, तो इस आवेश पर ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर दिए और ये इसकी दिशा विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो कुल मिला के ये जो सेंटर में 1 कूलाम चार्ज है उस पर कोई बल नहीं लगेगा, तो उस पर जो नेट बल होगा उस पर लगने वाला कुल बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं। और यदि इसको प्रॉपर वे में आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप ऐसा कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एफ है, एफ है इक्वल टू 1/4π ε0 और ये क्यू ए इंटू क्यू, दोनों के बीच में लगने वाला बल, ये तो क्यू ए इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इक्वल 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू ए का मान कितना है आपके पास है, 2 μC, तो 2 × 10⁻⁶ इंटू ये 1 × 10⁻⁶, ये 1 μC है और दोनों के बीच की दूरी हमने निकाला है कितना, 5√2, तो हो जाएगा 5√2। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻², और इसका होल स्क्वायर। अब इसको आपको सरल करना पड़ेगा। उसी तरह से यदि मैं निकालना चाहूँ, एफ ए जैसे निकाला वैसे निकालूँ एफ सी, एफ सी इक्वल टू सेम वैल्यू होगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻⁶ इंटू 1 × 10⁻⁶ अपॉन, क्योंकि सेम वैल्यू सब बराबर हैं, 5√2 × 10⁻², का होल स्क्वायर। फिर दोनों को सरल करके आप बताइए, हल करने की जरूरत भी नहीं, आप सीधा लिखेंगे, चूंकि एफ ए तथा एफ सी परिमाण में बराबर हैं, देखो दोनों पूरा बराबर हैं, तो दूसरे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे और दिशा दोनों की क्या है, ठीक विपरीत है। उसी प्रकार से यदि हम क्या निकालना चाहें, एफ बी निकालना चाहें, एफ बी तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 9 × 10⁻⁹ इंटू इसका वैल्यू, इसका वैल्यू है −5 × 10⁻⁶ इंटू 1 × 10⁻⁶ और अपान इसका वैल्यू, दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी तो वही है, बीच की दूरी सबका वही है, 5√2 × 10⁻², का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और उसी तरह से यदि हम निकालना चाहें एफ बी के जस्ट अपोजिट में क्या है, एफ डी, तो ये भी 9 × 10⁹, आगे कुछ नहीं है क्वेश्चन में, −5 × 10⁻⁶ इंटू 1 × 10⁻⁶ अपॉन 5√2
इंटू 10^-2 का होल स्क्वायर। इसको आपको हल करने की जरूरत नहीं है, हल करके जो वैल्यू निकालोगे दोनों का वैल्यू सेम होगा। आगे आप उसको लिख दोगे क्या, चूंकि एफ बी बराबर है किसके, एफ डी के, और दिशा दोनों के एक दूसरे के विपरीत है, और यहाँ पर बराबर है एफ है किसके, एफ सी के, ये संतुलित करें तो कुल मिला के उसमें नेट बल कितना आएगा ये। तो ये ओरल है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। तो एक कॉम्पिटिटिव में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, तो यदि आपकी प्रैक्टिस रहे तो ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं, आप केवल ऑब्जर्वेशन केवल देख के बता सकते हैं कि उसके सेंटर पर रखे एकांक आवेश पर नेट बल शून्य होगा। ऐसे भी आपको शुरू में ही पता चल जाना चाहिए कि इधर उतना ही आवेश है, इधर भी उतना ही आवेश है, दोनों बराबर बल से उसको प्रतिकर्षित करेंगे, यहाँ उतना आवेश है, यहाँ उतना है, दोनों करेंगे तो इस पर नेट बल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 7 तो न्यूमेरिकल्स नहीं है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट बोर्ड से पढ़िए। देखिए एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन है उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, यदि आप एनसीईआरटी न्यूमेरिकल 100% करते हैं तो एक तरह से आप न्यूमेरिकल अच्छे से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मेरा सजेशन है कि आप 100% एनसीईआरटी करो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते भी हैं इसके, है ना। तो 1.8 क्वेश्चन नंबर 1.8, दो बिंदु आवेश QA इक्वल टू 3 μC, QB इक्वल टू -3 μC निर्वात में एक दूसरे से 20 cm की दूरी पर रखे हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की मध्य, ये अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति का आप जो फार्मूला पढ़े उस पर बेस्ड है। दो बिंदु आवेश हैं, देखिए एक बार मैं फिगर बना दूँ इसके लिए आपको, ये वैसे ही फिगर बनेगा सबका, ये है QA और QA का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 μC, 3 μC। देखिए कूलाम, माइक्रोकूलाम को आपको हमेशा कूलाम में चेंज कर लेना है, और QB दूसरा जो आवेश है वो दिया है -3 μC, एक दूसरे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके दोनों के बीच की दूरी कितना है 20 cm, ये इनके बीच की दूरी 20 cm दिया हुआ है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और इसका एक मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है ये O, तो हो जाएगा 10 cm क्योंकि मध्य बिंदु हो गया वो, दोनों आवेशों को मिलाकर रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि दोनों पे मध्य में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और यदि यहाँ पर 1.5 × 10⁻¹⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक आवेश, आप वो बोर्ड से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, रखा जाए तो परीक्षण आवेश पर कितना होगा। ठीक है, -3 μC, अब यहाँ पर यदि हम एकांक आवेश मतलब +1 आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है, जिस बिंदु पर हम एकांक आवेश की कल्पना करते हैं वहां हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर मान लो एकांक आवेश +1 आवेश रखा हुआ है, तो पहले हम इसके बीच में तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं, इसको हमने कह दिया EA, तो EA इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε₀QA और इंटू ये एकांक आवेश 1 और अपान, दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 10 इंटू हो जाएगा 10⁻², यदि हम मीटर में चेंज करें तो उसका स्क्वायर, ये हमने सेंटीमीटर को किस में कर मीटर, अब इसका वैल्यू को अपन एक साथ पुट कर देंगे, ये सपोज मैंने आर स्क्वायर कह दिया, दैट इक्वल इसका वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू क्यू ए का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁶ μC को कूलाम में चेंज कर दिया, दूसरा आवेश तो 1 ही रहेगा, तो 1 को 1 कूलाम आवेश हमने किया है तो 1 कूलाम आवेश को 1 ही रहने दें, और अपन आर दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 10 cm, तो 10 cm को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। क्लियर, ये हो जाएगा ई ए। अब इसको हम सॉल्व कर लें, दैट इम्प्लाइज ई ए इक्वल टू यहाँ ये
9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और इसको हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 0.01। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 0.01 स्क्वायर हो जाएगा तो इसको इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू यहाँ पर ये डेसिमल को हटाएंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 और अपॉन 1। अब 1 का कोई मतलब नहीं, सालों का है 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 और इंटू इनका मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ 10 का घात 2 है और यहाँ पर 9 9 2 11, ठीक है 11 में से 6 को माइनस करेंगे, ठीक है तो 6 11 माइनस 6 कितना आएगा 5 10 टू द पावर 5 तो 27 इंटू 10 टू द पावर 5 इस तरह से, या इसको हम लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 टू द पावर 1 इसके साथ में हो जाएगा तो 6 ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6। अब सेकंड पार्ट में इसका क्या बोलता है कि दूसरा जो चार्ज है, दूसरा जो चार्ज है ये, उसके लिए भी हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हम निकालें ई ए की तरह तो देयरफॉर अगेन ई बी। अब यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिए कि ये जो बल है ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये प्रतिकर्षण बल है, मतलब इस तरह से क्या करेगा दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे विपरीत दिशा में, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है तो ये क्या करेंगे आकर्षित, तो ये चार्ज इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये चार्ज इसको अपनी ओर आकर्षित। ये दिशा को ध्यान दीजिए ना, ये जो मैं दिशा लगाया हूँ ये है ई ए और यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ये है ई बी, तो ई बी निकालेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू इसका वैल्यू माइनस थ्री इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस साइन यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा वो आकर्षण बल है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और इंटू सॉरी अपॉन डिस्टेंस तो उतना ही होगा, ये स्क्वायर होगा ना, नहीं नहीं स्क्वायर यहाँ था मैं स्क्वायर कर दिया था, ठीक है ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। आगे हम इसको सॉल्व करें दैट इम्प्लाइज तो ये हो जाएगा ई बी इक्वल टू 9 बस ही सॉल्व किया 9 थ्री जा 27 ये हो गया 27 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 टू द पावर 3 लिख देता हूँ मैं 10 टू द पावर 3 ये 9 है ये 6 है और अपान ये हो जाएगा 0.01 दैट इम्प्लाइज ई बी इक्वल टू 27 इंटू 10 टू द पावर 3 और यहाँ पर 2 जीरो ऊपर चला जाएगा ये मतलब 100 अपॉन 1 दैट इक्वल ई बी इक्वल टू 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 यहाँ पर भी उतना ही आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दोनों तीव्रता क्या हो गया बराबर हो गया, इसका यूनिट आप लिख देंगे न्यू, ठीक है तो दोनों का वैल्यू इक्वल हो गए। अब फिगर में आप यहाँ पर देखो ई ए की दिशा इस ओर है क्योंकि दोनों ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ई बी की दिशा इस ओर है क्योंकि ये इसको क्या करेगा आकर्षित करेगा, तो इसलिए कुल तीव्रता, इसलिए यहाँ पर कुल तीव्रता यदि हम निकालें तो दोनों की दिशा समान होने का दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ई बराबर हो जाएगा ई ए प्लस ई ए बराबर ई ए प्लस ई बी और दोनों का वैल्यू बराबर है। आप देखिए ये वैल्यू ये वाला वैल्यू और वो बराबर है तो दोनों जुड़ के डबल हो जाएगा तो 2 इंटू 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 दैट इक्वल ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन कूलम्ब ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमको फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है दोनों आवेश क्यू ए क्यूबिक मिलावे रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, तो दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब ना, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब या न्यूटन कूलम्ब इन्वर्स भी लिख सकते हैं पर कूलम्ब, इसको लिखने का दो तरीका है या इसको लिख सकते हैं न्यूटन कूलम्ब इन्वर्स। तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इसके बीच का क्या हो जाएगा परिणामी तीव्रता हो जाएगा, कैसे निकाला एक बार ध्यान दीजिए पहले इन दोनों के बीच में तीव्रता निकालें जो कि ई ए है वो ये निकल गया 2.7 10 टू द पावर 6
इसके बाद इन दोनों के बीच की तीव्रता निकाला, वो भी यही निकल गया 2.7 इंटू इतना। अब यहाँ पर क्या किया हमने, ये इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा भी इधर है, दोनों की दिशा समान होने के कारण कुल तीव्रता निकालने के दोनों को जोड़ दिया। सेकंड पार्ट में पूछा है यदि ऋणात्मक परीक्षण आवेश 1.5×10⁻⁹ को मध्य बिंदु पर रखा जाए तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा। मतलब अभी हमने सेंटर में क्या किया है, अभी हमने सेंटर में एकांक आवेश माना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यह जो आवेश है वह 1.5×10⁻⁹ कूलम, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बीच को, ना ध्यान देंगे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बीच को इसको मिटा रहा हूँ। देखो इसका बी पार्ट के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो Q है, जो बीच में Q है उसका जो वैल्यू है 1.5×10⁻⁹ 1.5×10⁻⁹ माइनस नाइन अब कूलाम में दिया हुआ ये। मतलब अब इस बिंदु पर एकांक आवेश ना रख के इस आवेश को रखें तो कितना बल लगेगा, तो हम जानते हैं कि चूंकि बल F बराबर होता है आवेश गुणित तीव्रता, तो दोनों के बीच में लगने वाला बल F इक्वल टू आवेश का मान इतना 1.5×10⁻⁹ इंटू तीव्रता, अभी हमने निकाल के रखा है ये, तो तीव्रता का मान है 5.4×10⁻⁶। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 1.5 में 5.4 को मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ, आप कर लेंगे उसको मल्टीप्लाई, 1.5×5.4 8.1 ये हो जाएगा 8.1×10⁻⁶ -9 और 6 -3 न्यूटन, ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। तो एक आंसर ये होगा आंसर नंबर फर्स्ट, ये आंसर नंबर 2 कि दोनों के बीच में कितना बल लगेगा जब बीच का जो आवेश है वह इतना हो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो संतुलन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट पर है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1.9, तो 1.9 के स्टेटमेंट आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1.9 स्टेटमेंट एक बार ध्यान से पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। 1.9 नंबर क्वेश्चन, किसी निकाय में, निकाय मतलब सिस्टम, दो आवेश QA इक्वल टू 2.5×10⁻⁷ कूलाम तथा QB बराबर -2 कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A तथा B पर अवस्थित है, निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत आवेश। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये क्वेश्चन कभी भी किसी अच्छे एग्जाम में आ सकता है। ये डायमेंशन पर बेस्ड है, क्वेश्चन में बोला है कि किसी निकाय में आवेश इस तरह से है दो बिंदुओं पर, दो बिंदु का यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है, दो बिंदु का निर्देशांक दिया है। तो यहाँ पर तीन अक्ष अपन मान लेते हैं, सपोज ये थ्री एक्सिस मान लें, एक्स एक्सिस, ये सपोज वाई एक्सिस और ये सपोज जेड एक्सिस। अब उसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है, देखिए निर्देशांक दिया है, पहला निर्देशांक बिंदु ए का 0, 0, -15। तो कभी भी निर्देशांक यदि ऐसा हो 0, 0, C, एक बात आप यहाँ पर ध्यान समझ लीजिए, जैसे कहीं निर्देशांक हो A 0, 0 और 0, B, 0 और ऐसा, तो ये निर्देशांक एक्स एक्सिस का होता है क्योंकि यहाँ पर A है और बाकी दो 0 हैं। ये जो निर्देशांक है वो वाई एक्सिस का होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू है, बाकी दो 0 हैं और यहाँ पर ये दोनों 0 हैं और z निर्देशांक है तो z एक्सिस का होता है। मतलब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दो निर्देशांक दिया हुआ है 0, 0, -15। तो माइनस मतलब निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका निगेटिव डायरेक्शन इस ओर, जिसको हम क्या कह सकते हैं जेड डैश एक्सिस। तो यहाँ पर वो बिंदु दिया हुआ है ए और इसका निर्देशांक है 0, 0, -15।
हमने जेड डेक्सिस में क्यों ले लिया, क्योंकि -15 है। और दूसरा जो निर्देशांक क्वेश्चन में दिया हुआ है वो +15 है, ये मूल बिंदु है। तो यहाँ से ये यहाँ चले आए मान लो बी, और इसका निर्देशांक दिया है 0, 0, 15, मतलब यहाँ से यहाँ तक 15 है और यहाँ से यहाँ तक भी -15 है। मतलब ए और बी के बीच की वास्तव में दूरी कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सीधा सीधा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है न कह के यहाँ से यहाँ -15, ये दोनों को घटा मत देना क्योंकि ऋणात्मक के कारण ये दूरी है। तो ये 15 ये हुआ और 15 ये हुआ, तो 15 × 15 कितना हो जाएगा 30। मतलब यहाँ से यदि देखा जाए तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दो, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया है क्यू ए, मतलब यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है वो क्यू ए आवेश है। तो क्यू ए आवेश का वैल्यू क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁷, 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम, ये दिया हुआ है। और क्यू बी का वैल्यू दिया है -2.5, ये क्यू बी इक्वल टू -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। अब यहाँ पर देखिए कि क्यू बी का वैल्यू ये है और क्यू ए का वैल्यू ये है। क्वेश्चन में हमको बोला है फर्स्ट पार्ट में निकाय का कुल आवेश, तो यहाँ पर देखिए निकाय का जो कुल आवेश है क्यू ए बराबर हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी, और क्यू ए तो ओरल है, इसका वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁷, और क्यू बी का वैल्यू निगेटिव है तो हो जाएगा -2.5 × 10⁻⁷, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। ऐसे भी वहाँ पर क्वेश्चन से आपको सीधा दिख रहा है इसका वैल्यू निगेटिव में है, इसका वैल्यू पॉजिटिव में है, और दोनों क्या है ठीक एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रखे हैं, तो कुल आवेश 0 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन को पूछा है हमको वैद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण, तो द्विध्रुवीय आघूर्ण P इक्वल टू होता है 2Q × 2L, मतलब दोनों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी जिसको हम 2L कहते हैं, जो कि यहाँ पर कितना है AB, यही AB क्या है 2L है, 30 सेंटीमीटर, क्लियर। अब Q का वैल्यू हमको पता है दोनों में से किसी एक QA QB के बराबर है, तो आघूर्ण में दोनों में से किसी एक बल का मान लिखते हैं, सॉरी आवेश का मान लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2.5 × 10⁻⁷, और यह है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 डिवाइड कर दिए। अब इसको हम सॉल्व कर ले तो 10 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 × 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7.5 और × 10⁻⁸ जाकर माइनस हो जाएगा 10⁻⁸, ये हो जाएगा P इक्वल टू कितना आंसर आया इसका 7.5 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, क्योंकि द्विध्रुवीय आघूर्ण का यूनिट होता है कूलाम इंटू मीटर, सेंटीमीटर नहीं समझ लेना उसको, कूलाम इंटू, कई जगह क्या है बुक में लिखा है CM, ऐसा CM लिखा रहता है तो सेंटीमीटर, यदि P का यूनिट है तो कूलाम इंटू मीटर है ना, ये हो गया। ये आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसको हमको डायमेंशन में मतलब इनडायरेक्टली हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होगा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 का स्टेटमेंट आप देखिए बुक से पढ़िए एक बार या मेरे बोर्ड में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट देखिए आप बुक से पढ़िए, मैं यहाँ रीड करता हूँ। 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर वैद्युत आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव न्यूटन के परिमाण से किसी एक समय क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री पर संरेखित है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण तथा परिमाण परिकलित कीजिए। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास ये कोई एक समान इस तरह से विद्युत क्षेत्र है,
और इससे 30 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। कितना डिग्री बोला है? 30 डिग्री। ये सपोज ये 30 अंश का कोण बनाता हुआ द्विध्रुव है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमको गणना करने के लिए बोला है, बल आघूर्ण की गणना करने के लिए बोला है। बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का फार्मूला टा इक्वल टू होता है पीई इंटू साइन थीटा, पीई इंटू साइन थीटा, जहां पर पी क्या है? द्विध्रुवीय आघूर्ण, ठीक है। तो पी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 × 10⁻¹⁹। पी का वैल्यू यहां पर लिख देता हूं, पी इक्वल टू 4 × 10⁻¹⁹ कूलाम मीटर, और वैद्युत ध्रुव, और गिवन अपने को दिया है किसका वैल्यू? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, 5 × 10⁴। देखिए क्वेश्चन में आप देखिए, ये ई का है, बस इजी क्वेश्चन है, 5 × 10⁴ ये दिया हुआ है, 5 × 10⁴, क्लियर ना? न्यूटन कूलाम इनवर्स, आसान है, कुछ वैल्यू पुट कर देना है बस इसमें, पी का वैल्यू ये पुट कर दो, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, बस ऐसी है, और ई का वैल्यू ये है 5 × 10⁴, और इंटू साइन कोण का मान दिया है 30 डिग्री, दैट इक्वल ये हो गया 5 × 24, और ये 10⁻¹⁵ हो जाएगा, यहाँ से घटेगा तो, और साइन 31/2, दैट इक्वल ये हो गया 10 × 10⁻¹⁵, इसके साथ गुणा कर दे तो 10⁻⁴, 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट अप करना है, बस क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको इसमें समझना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, 30 डिग्री पर बल आघूर्ण का मान कितना होगा, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, टा इक्वल टू पीई साइन थीटा, क्लियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का स्टेटमेंट आप पढ़िए, उनसे रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन टुकड़ा, यह तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 × 10⁻¹⁹ कूलम परिणाम में आवेशित पाया जाता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्या है? क्वांटीकरण के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन है। उनसे रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻¹⁹ कूलम आवेश का मान दिया हुआ है 3 × 10⁻¹⁹ कूलम आवेशित पाया गया है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो हमको पता है चूंकि Q इक्वल टू होता है N × E, ये है आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब क्या निकालना है, N, तो N इक्वल टू हो जाएगा Q/E। आगे इसको हम सॉल्व करें, दैट इम्प्लाइज N इक्वल टू क्यू का मान ये दिया हुआ है 3 × 10⁻¹⁹, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, दैट इम्प्लाइज N इक्वल टू यहाँ 10^(⁻¹) को पहले सॉल्व कर लें, ये हो गया 3/1.6 × 10⁻¹⁹, ये जाग ऊपर में धन हो जाएगा, तो 19 में 7 घटेगा तो कितना आएगा 12 × 10⁻¹⁛ 12। 3 में 1.6 को अपन डिवाइड कर देते हैं, कैलकुलेटर से मैं करता हूँ, आप उसको डिवाइड कर लीजिए, 3 / 1.6 1.875 × 10⁻¹⁛ 12, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट पार्ट में बोलता है क्या उनसे पॉलीथीन में सहती मतलब द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होगा, तो नेचुरली होगा, क्यों होगा? देखो क्या होता है, जैसे ये एक पदार्थ है, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित होता है तो इसका द्रव्यमान में कमी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है,
तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जाएगा तो इसमें द्रव्यमान की कमी होगी, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसमें द्रव्यमान की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से सेकंड नंबर के पार्ट में आपको पूछा है कि क्या होगी, स्थानांतरित होगी। यदि स्थानांतरित द्रव्यमान का भी हम यदि गुणा करना चाहें, मान निकालना चाहें, तो निकाल सकते हैं। कैसे है? स्थानांतरित द्रव्यमान कैपिटल M बराबर, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जितना होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो ट्रांसफर हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³। 9.1 × 10⁻³, ये आपको याद करके रखना है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना द्रव्यमान होता है और इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो इंटू हो जाएगा 1.87 × 10⁻½। इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप लोग इसको अपने से कर लेंगे। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 1.8 × 10⁻¹⁸। इतना केजी में आ जाएगा ये। कहने का मतलब क्या हुआ, एक बार ध्यान से देखिए। यदि पॉलीथीन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उनका द्रव्यमान कितना होगा, मतलब स्थानांतरित द्रव्यमान कितना द्रव्यमान उसमें से ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान जितना होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से ये क्वांटीकरण पर आधारित क्वेश्चन है, Q=N(E)। चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1.12। आप न्यूमेरिकल्स को करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी पकड़ते जाइए ना, तभी आपसे न्यू क्वेश्चन बन पाएगा, अदरवाइज फिर आपसे वही क्वेश्चन बनेगा जो आपको मैं बता रहा हूँ। दो विद्युतरोधी आवेशी तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, ये बहुत से राइटर में क्वेश्चन आपको मिलेगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। यदि दोनों गोलों पर पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ हो तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा गोलों के बीच की दूरी की तुलना में ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य। यदि प्रत्येक गोले का आवेश की मात्रा को दुगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। सेकेंड पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, देखिए। तो ये है एक गोला, ये सपोज एक गोला ये है, एक गोला बी है, ए और बी, इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि इसकी त्रिज्या को नगण्य माना जाए, बोला है मतलब सीधा इसको आप लोग लोगे 50 सेंटीमीटर। यदि दोनों गोले पृथक आवेश इतना कूलाम है, इस पर Qa = 6.5 × 10⁻⁷ और इस पर भी QB भी है 6.5 × 10⁻⁷। इसी वजह से प्रतिकर्षण बल, दोनों गोलों के बीच की दूरी की तुलना में। पहला पार्ट तो आसान है इसका, पहला पार्ट तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऐसा भी कई क्वेश्चन बताया। पहला पार्ट में बोलता है दोनों के बीच में कितने बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो सीधा सीधा आप इसमें कूलाम का नियम लगा दीजिए, कितने बल से प्रतिकर्षित करेंगे। F = 1/4πε₀QA×QB/r² किस में दिया हुआ है, कूलाम में दिया हुआ है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। क्लियर, पहला पोर्शन आसान है बहुत, तो आप ऐसा क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। That = 9 × 10⁻⁹ × QA का वैल्यू
बस मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं। यही मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा था, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 और अपॉन आर, तो 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर को आप चेंज करेंगे मीटर में, तो 50/100 मतलब हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। ये ऐसी क्वेश्चन है, मैं दूसरे क्वेश्चन का कन्फ्यूजन में बोला था, बहुत अच्छा। इसमें कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 × 6.5 × 6.5 × 10 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 14 × 9, ठीक है, तो 5। ऐसा सेम क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, अपॉन ये 0.5 × 0.5, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ सॉल्व करके। वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टू न्यूटन, इतना आएगा ये, ये देख लेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट, इसका जो बी पार्ट है, ये तो ये पार्ट है केवल बल का, मान निकालने बोला है, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। यदि प्रत्येक गोले की मात्रा को दुगना और दूरी को आधी कर दी जाए, मतलब उस कंडीशन में इसको लगाएं, तो बल मान लो एफ डैश कर दिया, तो एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दुगना हो गया, तो हो जाएगा 2qa, ये भी हो जाएगा 2qb, और उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, मतलब r/2 का स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फार्मूला को बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि इतने का मान तो हमने निकाल ही लिया है, इतने का मान निकाला है ये, तो ये हो जाएगा दैट इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 × 2 हो गया ये 4qa × qb, अपान ये हो जाएगा आर स्क्वायर और अपान ये 4, जिसको हम आगे लिख सकते हैं दैट इक्वल, यहाँ ध्यान दीजिए ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो ये मैं लिख दिया 16 को सामने लिख दिया, 16 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qa × qb / r², और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qa × qb / r² का मान हम यहाँ पर ये निकाले हुए हैं, उसके वैल्यू को पुट अप कर देते हैं सीधा, 16 × ये इसका मान ये निकला हुआ है यहाँ से, तो हो जाएगा 1.5 × 10⁻²। तो 16 में 1.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा, पूरा इसको सॉल्व कर दें, 16 × 1.5 0.24, पूरा सॉल्व कर दिया इसको मैं, 0.24 न्यूटन, ये आंसर आएगा। मतलब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, यदि दोनों आवेश को दुगना कर दिया जाए और दूरी को आधी कर दी जाए तो बल कितना लगेगा, तो कंडीशन अप्लाई करके कर दिए, ये हो जाएगा हमारा 1.12, मतलब 12वां नंबर का क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का स्टेटमेंट आप देखो, मान लीजिए अभ्यास 1 में गोले ए तथा गोले बी साइज में सर्वसम तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनारक्षित गोला पहले हो, तो पहले गोले के संपर्क पश्चात दूसरे के संपर्क, इसी की बात कर रहा था मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है करके, इसका सेकंड पार्ट मुझे ध्यान आ रहा था इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, लेकिन 12 में सीधा सीधा कैलकुलेशन दिया है, 13 बहुत बेस्ट है, ये 13 को थोड़ा आप ध्यान से समझना है। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ क्या बोला है, ये एक गोला है ए, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, और ये सी है, तो पहले गोले का आवेश, अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं, qe = qa, अपने को दिया हुआ है कितना, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, और qb भी उतना ही है,
यह क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, 10^-7 कूलम। और यह सी एक गोला है जिसमें कोई आवेश नहीं है। यदि इसी साइज का तीसरा अनावेशित गोला है, इसमें कोई आवेश नहीं है, इसमें आवेश अभी शून्य है। यहाँ पर लिख देता हूँ आवेश इसमें क्या है, जीरो, क्यू सी। ये तो पहले गोले के संपर्क पश्चात दूसरे को संपर्क मिलाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा? अभी हम पहले क्वेश्चन में ए और बी के बीच में प्रतिकर्षण कितना होगा ये पहले 1.12 वाले क्वेश्चन में बनाए। अब क्वेश्चन में क्या कहता है देखो, सबसे पहले हम इसको इसके साथ में टच कर दिए ले जाके। जब इसके साथ में इसको टच करेंगे तो क्या होगा, इसमें का आवेश इसमें स्थानांतरित होगा। ये आवेश के पुनर्वितरण के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए से संपर्क करने पर जो आवेश होगा, मतलब पर एक आवेश कितना हो जाएगा, सपोज उसको मैं कह दिया क्यू ए डैस, तो क्यू ए प्लस क्यू सी अपॉन टू, दोनों का योग बटे दो, क्योंकि दोनों में क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। और ये हो जाएगा दैट इक्वल क्यू ए का मान कितना है, 6.5 × 10^-7 और प्लस जीरो, क्योंकि क्यू सी में तो कोई आवेश नहीं है, अपॉन टू। 6.5 में 2 अपन डिवाइड कर दें तो इसको डिवाइड करने के बाद 3.25, ये हो जाएगा 3.25 × 10^-7 कूलम। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आप ध्यान से देखिए, सी गोले को हम ए के साथ में जा कैसा टच कर दिए, तो ये दोनों में आवेश का स्थानांतरण, इसमें तो आवेश था ही नहीं, इसमें इतना था, तो दोनों का योग बटे दो, ये हो जाएगा ए से संपर्क करने पर ए का नया आवेश लिख देता हूँ मैं यहाँ पर संपर्क करने के बाद। फिर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, अब उसको सी के साथ संपर्क में लाया जाता है, अब यहाँ से इसको हटा के सी के संपर्क में लाया जाता है। तो ए को सी से संपर्क में करने पर, संपर्क करने पर आवेश, इसको मैं क्यू ए डबल डैश कह दिया। जब एक बार इसे संपर्क हुआ तो इतना हुआ, अब हम उसको इसके साथ संपर्क में कर देते हैं तो क्यू ए अब डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा क्यू ए डैश और प्लस क्यू सी, सॉरी क्यू बी, ए को सी के साथ नहीं ना, सॉरी बी के साथ संपर्क, बी से संपर्क। एक बार स्टेटमेंट को रिपीट करता हूँ मैं, अब सी को बी के संपर्क में लाया जाता है। यदि प्रत्येक गोले पर तीसरा गोला है ना, एक बार स्टेटमेंट को रिपीट करता हूँ मैं, देखिए एक बार आप बोर्ड से पढ़ लीजिए, ये तो तभी समान रहता था, इसी साइज को तीसरा गोला है, पहले से संपर्क, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क मिलाकर, मतलब सी को लाया जाता है, ठीक है, मतलब एक ही है, इसको मैं मिटाता हूँ। देखिए ये जो ए से संपर्क करने पर एक नया आवेश इतना हुआ, तो जितना ए पर होगा उतना ही सी पर होगा, तो इसलिए सी पर आवेश अपन लेते हैं। ये बात आप थोड़ा ध्यान समझना, अब सी पर आवेश क्यू सी कितना हो गया, पहले शून्य था लेकिन जब ए के साथ संपर्क में किया तो नया आवेश इतना हो गया, तो ए पर जितना आवेश होगा उतना सी पर होगा, तो सी पर आवेश यही हो जाएगा 3.25 × 10^-7 कूलम। अब हम सी को क्या करते हैं, यहां से इसके साथ संपर्क में लाते हैं यहां, तो सी को बी से संपर्क करने पर सी पर बी पर आवेश इसको मैं कह दिया क्यू बी डैश। अब बी का भी आवेश बदलेगा, पहले बी पर आवेश इतना था लेकिन अब इतना आवेश को हम इसके संपर्क में ला दिए, तो क्या हो जाएगा, ये क्यू सी और प्लस क्यू बी अपॉन टू होगा। तो क्यू सी के पास आवेश कितना हो गया, इतना 3.25 × 10^-7 और प्लस
QB के पास आवेश कितना है, जो पहले से अपने को पता है, 6.5 इंटू 10^-7 अपॉन 2। इसको सॉल्व करें तो 10^-7 कॉमन है, 10^-7 कॉमन कर लिए, ये हो जाएगा 6×3 9 9.75 अपॉन 2 दैट इक्वल, इसको हम सॉल्व कर लें 9.75 अपॉन 2 करेंगे तो आएगा 4.875 इंटू 10^-7 कूलम। क्लियर? अब क्या निकला, एक बार रिपीट करता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। सी को ए से संपर्क में किया तो नया आवेश इतना हो गया, और यही आवेश सी पर भी आ जाएगा। अब सी को उठाए यहाँ से और बी के संपर्क में कर दिए, तो सी को बी से संपर्क करने पर बी का आवेश बदल जाएगा, फिर दोनों का योग बटे दो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अब इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण कितना होगा, इसलिए ए तथा बी के बीच प्रतिकर्षण, देखिए यहां पर क्या, अब ए और बी पहले इनके बीच इतना आवेश था, लेकिन हमने सी को इससे टच कराया, फिर उसे हटा के इससे टच कराया, तो दोनों के आवेश बदल गए, उसके बाद इनके बीच कितना प्रतिकर्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में इनके बीच का डिस्टेंस दिया था कितना, 20 सेंटीमीटर, तो इनके बीच हमको प्रतिकर्षण बल निकालना है, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 qAds, क्योंकि अब उसका आवेश बदल चुका है, ये हम qAds निकाल के रखे हैं, और B का भी आवेश बदल चुका है, वो कितना हो गया है qB′, और अपान उनके बीच की दूरी जो कि आर स्क्वायर अपन सपोज कर ली। अब इसकी वैल्यू पुट अप कर लें, 9×10^9 इंटू इसका वैल्यू कितना है 3.25 3.25×10^-7 इंटू क्यू बी डी, इसका वैल्यू हम यहाँ निकाल के रखे हैं, ये 4.8587 × 10^-7 अपॉन इनके बीच की दूरी तो 50 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करेंगे अपन, तो × 10^-2 का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे अपन, सिंप्लीफाई करेंगे, अब इतना सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हो, आपको मैं सिखा दिया, इसको 10 को पहले मल्टीप्लाई करो, ये अब आप लोग के लिए वर्क है, इसको आप सिंप्लीफाई करना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसको। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको आंसर आने वाला है वो है 5.7×10^-3 5.7×10^-3 न्यूटन, ये तो ये नया प्रतिकर्षण बल होगा उनके बीच में, मतलब इस सिस्टम के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 कंबाइंड स्टेटमेंट पर है, दोनों में कंडीशन अलग अलग है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए मैंने न्यूमेरिकल स्टार्टिंग किया उसके पहले ही आपको बताया था, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए ना, वीडियो बहुत लॉन्ग है, लेकिन हम एक सीटिंग में यदि एक एक्सरसाइज को न्यूमेरिकल करें एनसीईआरटी का, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। यदि आपको वो लॉन्ग लगे तो आप बीच में ब्रेक लेके आप उसकी स्टडी करिए, या न्यूमेरिकल के थोड़ा पेशेंस, लॉन्ग सीटिंग चाहिए। आप एनसीईआरटी के लेवल के न्यूमेरिकल्स को करना स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 आपको हैबिट होगा, फिर आगे के वीडियो में मैं आपको थोड़ा ज़्यादा डेप्थ कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल्स मिसलेनियस कलेक्शन आपको प्रोवाइड करूँगा, जो IIT JEE और नीट को कवर करेगा, तो थोड़ा पेशेंस के साथ इसको करेंगे तो अच्छा होगा ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वैसे न्यूमेरिकल्स में एक बार आपको इंटरेस्ट हो जाए तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, फिर आपको करते रहें ऐसा लगेगा, इसलिए स्टार्टिंग में आप थोड़ा, 11th क्लास में आपने यदि ढंग से न्यूमेरिकल्स किया है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, और नहीं किया है तो थोड़ा पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 तो थ्योरी है, वो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 15 देखिए, 1.15। अब इधर के दो तीन क्वेश्चन हैं वो सीधा गास के थ्योरम पर है, जो दो दो लाइन का बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र E पर विचार कीजिए बोलता है, ये विद्युत क्षेत्र एक समान E का वैल्यू दिया हुआ है 3×10^3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप का मतलब ही है कि किसके लिए है, ये x एक्सिस के लिए है,
क्योंकि आई कैप क्या होता है, एक्स एक्सिस का एकक सदिश होता है, यूनिट वेक्टर होता है। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड के समांतर है। देखिए यहाँ पर आप एक्सिस बनाइए, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। क्वेश्चन में हमको बोला है वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन का मतलब क्या होगा, इस एक्सिस में बनेगा इस तरह से, ये वाई जेड प्लेन होगा, ये प्लेन वाई जेड होगा, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर, जो किसके होगा, एक्स अक्ष के समांतर होगा, एक्स अक्ष के समांतर होगा। इस वर्ग का जहाँ फ्लक्स के दी अभिलंब एक्स अक्ष के 60 अंश। तो दो क्वेश्चन है इसमें, देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है एक्स अक्ष के समांतर माने वाई जेड प्लेन, ऑटोमेटिकली भी वाई जेड प्लेन का मतलब एक्स अक्ष के समांतर। तो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है किसका, गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो फाई का अपने को फार्मूला पता है, फाई इक्वल टू होता है ई एस कास थीटा या कास फाई, दैट इक्वल ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको दिया हुआ है, ये 3 × 10³ और इंटू क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इसकी एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ मैं अलग से एरिया निकाल देता हूँ, क्षेत्रफल एस इक्वल टू हो जाएगा 10 × 10, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हम इसको मीटर में चेंज करें तो दो बार 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻²⁻ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसके वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, 10⁻²⁻ और इंटू कास 0, क्यों, क्योंकि क्या है, समांतर है, तो समांतर में क्या होगा, थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको आगे साल्व कर दें तो 3 × 10, इसके साथ साल्व, 3 × 10 कास 0 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 30 फ्लक्सों की संख्या 30। पहला आंसर आ गया हमारा, एक बार आंसर टेली कर लूँ, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्सों की संख्या। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में बी कंडीशन में क्वेश्चन में बोला है कि वह क्या है, एक अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। फिर यही फार्मूला के अप्लाई करें तो फाई इक्वल टू ई, एक बार वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, ई का वैल्यू 3 × 10³ इंटू वो एस, तो एस तो वही होगा 10⁻², और इंटू यहाँ पर कास थीटा को हमने क्या लिया है, कास 0 लिया है, क्योंकि समांतर था। अब हमारे क्वेश्चन में कितना डिग्री की बात करता है, वो 60 डिग्री का बात करता है, तो हो जाएगा कास 60 डिग्री, दैट इक्वल 3 × 10, इतने को सॉल्व करेंगे और इंटू कास 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये 2 5 में कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये फ्लक्सों की संख्या पर बेस्ड क्वेश्चन है इस फार्मूले को। इस तरह आप इस चैप्टर में देख रहे होंगे जितने फार्मूले आप पढ़े हैं लगभग सभी फार्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कलेक्शन बहुत क्लियर है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने के बाद क्या है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाता है अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, ये इरेज कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 16 को बोर्ड से पढ़िए। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए ना, न्यूमेरिकल समझने का पहला फंडा यही है। 1.16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर अभ्यास क्वेश्चन, ये तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। 1.16 जो है, 1.1 एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा किसी घन से, अब उसको 20 सेंटीमीटर भुजा के घन के साथ आप उसको बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर उसको देखा है, तो नेट फ्लक्स के सेम क्वेश्चन पर बनेगा वो, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1.17, वो सेम क्वेश्चन है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, यहाँ पर फ्लक्सों की संख्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 8.0 × 10⁻²,
3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये फ्लक्सों की संख्या है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा, पहला क्वेश्चन बोला है कि बॉक्स के अंदर नेट आवेश कितना होगा, तो गास का थ्योरम अपने को पता है फाई इक्वल टू होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, दैट इंप्लाइज आवेश का मान पूछ रहा है तो क्यू इक्वल टू आएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, फाई का वैल्यू अपने को पता है 8.0 इंटू 10^3 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8, इसको याद करके रखेंगे अपन, अब 8.85 इंटू 10^-12, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 4 इंटू 10^4 लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हो गया। इसको अपन सॉल्व कर लें तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को और ये हो जाएगा 10^-9। इसको मैं मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से करता हूँ, आप मैनुअल कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस आप लोग करिए मल्टीप्लीकेशन वगैरह ना, तभी हो सकेगा। इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा 70.8, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से 70.8 इंटू 10^-9, ये आवेश पूछा है, इतना कूलाम हो जाएगा, क्लियर। और यदि आप इसको माइक्रो कूलाम में लिखना चाहें तो माइक्रो कूलाम में लिखना चाहेंगे तो क्या है 10^6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो आप कूलाम में आंसर दे सकते हैं, ये इसका आंसर है, माइक्रो कूलाम में लिखेंगे तो ऐसा सॉल्व करेंगे 70.8 इंटू 10^-9, कूलाम को माइक्रो कूलाम में चेंज करने के लिए 10^6 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा दैट इक्वल टू 70.8 इंटू 10^-6 है हो जाएगा -3। यदि हम जीरो को दो बार इधर खिसका दें तो 0.078 ये हो जाएगा माइक्रो कूलाम में हो जाएगा, क्लियर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.07 माइक्रो कूलाम। इसके सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में क्या बोला है, बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। फ्लक्स शून्य है, नंबर ऑफ फ्लक्स यदि शून्य है, यहां पर देखिए, यहां मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इसका बी पार्ट, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्सों की संख्या क्या है, शून्य है, क्यू इक्वल टू आएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, यदि ये जीरो हो तो क्यू इज आल्सो जीरो, तो यहां यही निष्कर्ष निकालेंगे कि आवेश क्या होगा, शून्य होगा। मतलब यदि बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य है, बॉक्स के अंदर या शून्य आवेश है तो वहां भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्लियर। यदि आवेश शून्य है तो फ्लक्सों की संख्या भी शून्य होगा, फ्लक्सों की संख्या शून्य है तो आवेश भी शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, दो दो लाइन के डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है। 1.18 क्वेश्चन नंबर 18, ये गिवन है आपको फिगर, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक अपने पास इस तरह से एक घन का एक फलक है और इसका 10 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई है और यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर कोई प्लस 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर ये इस वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स का परिमाण क्या है। देखिए घन जो होता है, इस तरह से घन के 6 फलक होते हैं और यहाँ पर हमको क्वेश्चन में एक फलक की बात कर रहा है, ये उसका एक फलक है, ये फिगर में जो क्वेश्चन में दिया है उसका एक फलक है, तो यहाँ पर फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला है कि इस वर्ग गुजरने वाले फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा है गास के थ्योरम से फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इंप्लाइज आवेश आपको दिया हुआ है, तो ये फ्लक्स है कंप्लीट घन के लिए, लेकिन घन के एक फलक की बात करें तो ऐसे ही इसमें 6 फलक होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इसलिए फाई डैश इक्वल टू 1/6, मतलब उसका 1/6 पर फाई डैश इक्वल टू हो जाएगा
फाइव अपॉन सिक्स, सिक्स पार्ट के लिए फाइव का वैल्यू ये है तो यह आएगा क्यू अपॉन सिक्स इंटू अब सेवन आठ। सिक्स क्यों डिवाइड किया समझ में आ गया आपको, ये जो फाइव है वो पूरे घन के लिए है लेकिन हमको उसको एक सरफेस के लिए चाहिए तो एक बटे छः हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू को हम पुट कर दें तो दैट इक्वल क्यू का वैल्यू है यह टेन, और टेन इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स कूलम में चेंज करेंगे तो, और सिक्स इंटू इसका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा टेन टू द पावर टेन इंटू टेन टू द पावर यहाँ पर प्लस होगा तो सिक्स और अपान सिक्स इंटू 8.854। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आपको आंसर बता देता हूँ, आप सरल कर लेंगे उसको। ये हो जाएगा 1.88। इतना तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ये हो जाएगा फ्लक्सों की संख्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्सों की संख्या यूनिट है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर यूनिट आपको लिखना जरूरी, अदरवाइज आपको एक नंबर काट देगा। जैसे मान लो इस न्यूमेरिकल्स के एग्जाम में आया, आप पूरा सॉल्व कर लिए और सिर्फ ये यूनिट नहीं लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको वन मार्क्स काट देगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यूनिट क्या है, मल्टीपल चॉइस में आपको यूनिट लिखा ही होता है, फिर भी यूनिट में आपको कंफ्यूज कर सकता है। यही वैल्यू देके न्यूटन मीटर स्क्वायर बस लिख दिया और यही वैल्यू देके न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो वहाँ पर भी आपको यूनिट को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर, तो आसान क्वेश्चन है, ये सब गॉस के थ्योरम पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो सीधा फ्लक्सों की संख्या पर के गणना पर आधारित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1.19, 19वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बस छोटे छोटे दो दो लाइन कैलकुलेशन है। 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश Q इक्वल टू दिया है 2 माइक्रो कूलम, दैट मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाला, मतलब उसकी भुजा की लंबाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। फ्लक्सों की संख्या, तो ये तो डमी डेटा है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि फ्लक्सों की संख्या क्या है भुजा की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। तो डायरेक्ट अपन फार्मूला निकालेंगे, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को यूज करेंगे तो क्यू का वैल्यू ये है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको 2 में इसको डिवाइड करेंगे, 2 में इसको डिवाइड कर दूँ तो इसका वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 8.854, 2.26 आता है 6। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा 2.26 इंटू 10 टू पावर यह होगा प्लस एक जीरो को इसके साथ में ले लिया, इसके साथ जाएगा तो 10 टू पावर 6 होगा लेकिन 0.226 आता है 2 में इतना डिवाइड करने से तो एक जीरो इसके साथ लेके ये हमने सॉल्व कर लिया तो फ्लक्सों की संख्या निकल जाएगा, वह यूनिट वही होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो एक दो दो लाइन के क्वेश्चन है फ्लक्सों की संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये लास्ट के जितने चार पांच क्वेश्चन हैं ये ज़्यादातर क्वेश्चन गॉस के थ्योरम पर डायरेक्ट है, बहुत ही आसान है लेकिन मैं एक एक लाइन में करा देता हूँ आपको। 20, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स इतना है, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का मान भी ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन, देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये बिंदु आवेश है और इसको केंद्र मानकर हम 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का क्या किए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गॉसियन पृष्ठ बना लिए और फ्लक्स का वैल्यू दिया है, इसमें नंबर ऑफ फ्लक्स है -1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
यदि गॉसियन प्रेस की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए, मतलब ये जो त्रिज्या है 10 उसको 2 टाइम्स कर दिया जाए, मतलब 20 कर दिया जाए, तो प्रेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा? यदि गॉसियन प्रेस की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो प्रेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा? फ्लक्सों की संख्या अपने को ज्ञात। ए पॉइंट के क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो फ्लक्सों की संख्या कितना होगा। देखिए हमको पता है फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इस फार्मूला में दूरी या त्रिज्या नहीं है, मतलब यदि हम त्रिज्या को दुगनी कर दें, तीन गुनी करें, चार गुनी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फ्लक्सों की संख्या उतना ही रहेगा। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा? फ्लक्सों की संख्या इतना ही होगा, क्लियर। सेकंड पार्ट में इसका पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में बोला है 20 के बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए, आवेश का मान कितना होगा, तो सीधा यहाँ से निकल जाएगा आवेश क्यू इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो फाई का वैल्यू है -1.0 × 10³ और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 × 10⁻¹². तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ वही रहेगा -8.854 × 10⁻¹, ये हो जाएगा -9, ये इसका आंसर हो जाएगा कूलाम। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एक कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना कि त्रिज्या के मान को बदलने पर फ्लक्सों की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए एक आंसर क्या होगा वही होगा, मतलब 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या का जो होगा दुगना करने पर भी उतना ही होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 आप पढ़िए एक बार, बोर्ड से रीडिंग कीजिए स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमारे पास एक गोला है, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस पर अज्ञात आवेश है, सपोज वो आवेश कितना है Q है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना हो, यदि गोले के केंद्र से, एक गोले के केंद्र से हमने लिख लिया 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र हो 1.5 × 10³ न्यूटन पर कूलम, अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा, अंतर्मुखी मतलब इसके अंदर है तो इस पर नेट आवेश कितना होगा, इस आवेश का वैल्यू वो पूछ रहा है, क्लियर। देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिया है, आवेश का मान ज्ञात करना है, अपने पास सीधा फार्मूला है बल के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है सीधा E=1/4πε₀Q/r², क्यू का मान ज्ञात करना है तो क्यू को यहाँ पर इसको इधर हम ट्रांसफर कर देते हैं, ये एक बार वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू अपने को दिया है 1.5 × 10³, इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं 9 × 10⁹, और ये क्या है आवेश, ये हमको ज्ञात करना है, ये आवेश है अपान इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10⁻²² का स्क्वायर मीटर में चेंज कर दिए, दैट इक्वल इसको आगे सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल इसको इधर ट्रांसफर कर दिए 1.5 × 10³ इंटू ये 20 × 10⁻²² का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 9 × 10⁹, इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए तो हो जाएगा 1.5 × 10³ इंटू ये 20 का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, लिख दिया मैं 20 × 20 × 10⁻²× 10⁻⁴ सीधा अपॉन 9 × 10⁹। अब 10 के घात को पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर यहाँ पर हम देखिए 10³ 3, ये 4 1 5, तो 10³ 5 इसमें से घटेगा तो 10³ 1 बचेगा, ये ऊपर जाके माइनस होगा तो 1.5 × 2² 4 गुणित 10³ बटे में 9 रहेगा, यहाँ पर 10³ कितना बचा था 3 4 5 1,
और ये जाके माइनस एट हो जाएगा, ये माइनस एट। आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं इसको कैलकुलेटर सॉल्व करके आंसर बताता हूँ आपको। आवेश, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन हो जाएगा। इतने को सॉल्व करेंगे अपन तो 6.67 इंटू 10^-9 में इसको लिखेंगे, इतना कूलाम, जिसको हम लिख सकते हैं 6.67 नैनो कूलाम, क्योंकि हम 10^-9 को नैनो लिखते हैं। क्लियर? तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 1.5 में 4 मल्टीप्लाई करके 9 डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से एक जीरो को इसके साथ लेके 10^-9 लिखेंगे, ये नैनो कूलाम। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये इस गोले से 20 सेंटीमीटर केंद्र से दूर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना हो तो इस पर कितना आवेश होगा, सीधा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 1, कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, डिस्टेंस आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10^-2 मीटर, 9 × 10^4 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है 9 × 10^4 न्यूटन पर कूलम या कूलम इनवर्स। रैखिक आवेश घनत्व तो ज्ञात कीजिए, रैखिक आवेश घनत्व तो को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आपको मालूम है कि रैखिक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना किए गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E=1/2πε0 λr। ये सब फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम नहीं है। तो इस फार्मूला को हम पुट करें तो यहाँ पर 1/4πε0 बनाने के लिए 1/4πε0 दो का यहाँ पर गुणा किया, दो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, 2λr, ये हो जाएगा फार्मूला। अब हमको आवेश घनत्व चाहिए तो लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है, तो लेमडा इक्वल टू ई का वैल्यू पुट कर दूँ पहले मैं, ई का वैल्यू 9 × 10^4, ये ई का मान भर दिए, इसका वैल्यू अपन पुट कर देंगे क्या, 9 × 10^9 × 2 × लेमडा का मान ज्ञात करना है, और आर मतलब ये लिखा हुआ है 2 × 10^-2, दैट इम्प्लाइज लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है। लेमडा को अकेले किधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 9 × 10^4 और × 2 × 10^-2 और अपान में ये आ जाएगा 2 × 9 × 10^9, दैट इम्प्लाइज अब जितना सॉल्व होता है सॉल्व करिए, 9 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ये इसके साथ में माइनस, और तो कोई नहीं बचा, सब कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर माइनस 2 बचेगा और ये माइनस, तो 7 × 10^-7। क्लियर? आंसर देख लें इसका 23 का, ठीक है, ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर। यदि हम इसको माइक्रो कूलाम में लिखना चाहें आंसर, तो क्या हो जाएगा, दैट इक्वल 10^-7 × 10^6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब माइक्रो कूलाम पर मीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10^3 माने 1/10, 1/10 इसको लिख सकते हैं, 1/10 माइक्रो कूलाम पर मीटर। वैसे आंसर आप यहाँ भी लिख सकते हैं ना, ऐसा नहीं है, यहाँ भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर है, क्योंकि जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो मल्टीपल चॉइस में यदि जिस फॉर्म में आंसर दिया होगा वैसे आपको सॉल्व कराना चाहिए। यह हो गया 23 नंबर क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार स्टेटमेंट ध्यान से समझिए इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 एंड लास्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर बोला है दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। यहाँ पर दो धातु का प्लेट है, एक धातु का प्लेट सपोज हमने ये लिया और ये दूसरा धातु का प्लेट ये लिया, ये दो धातु के प्लेट हैं, प्लेट नंबर फर्स्ट और प्लेट नंबर सेकंड, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इसके भीतरी फलकों पर प्लेटों का पृष्ठीयास घनत्व चिन्ह विपरीत है। ये भीतरी सतह है, ये दोनों का भीतरी, ये इसका बाहरी सतह है पहले का, ये ए क्वेश्चन में लास्ट में दिया हुआ है, ए प्लेट के बाह्य क्षेत्र में है, बी दूसरे प्लेट का बाह्य क्षेत्र है, जो बी सतह है दूसरे का वाह है, और सी क्या है दोनों का भीतर का सतह है। क्लियर? इस प्रकार से तीन फील्ड यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए इनका परिणाम दिया है, आवेश घनत्व का परिणाम दिया हुआ है सिग्मा, इसका परिमाण दिया हुआ है 17.0 × 10⁻²⁻²² कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये इसका आवेश घनत्व है। तो तीनों क्षेत्र में क्या है हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, पहले प्लेट के अंदर के सतह पर यहाँ पॉजिटिव है और इसके इस तरफ क्या है निगेटिव है। तो जो यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे किस प्रकार से होंगे, देखिए पहला जो क्षेत्र है वो जो विद्युत क्षेत्र बनाएगा पॉजिटिव, मतलब ये जो पहला क्षेत्र होगा उसमें पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो एक क्षेत्र इधर E1 इधर होगा, तो दूसरा क्षेत्र क्या होगा इसका जस्ट अपोजिट है, तो दूसरा फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा E2 होगा, क्योंकि एक में पॉजिटिव है एक में निगेटिव है। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो पहला क्षेत्र इधर आकर्षित होगा और ये पॉजिटिव निगेटिव है तो दूसरा भी क्या होगा इधर आकर्षित होगा, ऐसा डायरेक्शन होगा। लेकिन जब इस क्षेत्र में आप जाएंगे तो E1 का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इस साइड होगा और E2 का डायरेक्शन क्या होगा अंदर की ओर होगा। ये तीन क्षेत्र इस तरह से इसमें निर्मित होते हैं दो प्लेट के बीच में, ध्यान से समझिए उसको, मैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन से आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये दो प्लेट हैं, ये दोनों प्लेट के इसके अंदर सतह में धन है इसके बाहर है, तो धन तो ऋण की तरफ आकर्षित होगा, तो यहाँ पर दोनों क्या होगा दोनों क्षेत्र की दिशा इस ओर होगी। लेकिन जब हम इस फील्ड में बात करेंगे तो एक का तो आकर्षण होगा लेकिन दूसरे का प्रतिकर्षण होगा, यहाँ जाएंगे तो यहाँ जस्ट अपोजिट हो गया है, तो एक का प्रतिकर्षण होगा दूसरे का आकर्षण होगा। तो ये एरो आप ध्यान रखेंगे तो प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखें ए का कैलकुलेशन, ए तो सपोज यहाँ पर हम फर्स्ट फील्ड में कैलकुलेशन करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई फर्स्ट फील्ड में ई इक्वल टू हो जाएगा, ई का फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है किसी आयताकार चादर, आपने गॉस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन पढ़ा है कि गॉस के प्रमेय के दूसरे एप्लीकेशन में किसी आयताकार चादर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये E1 पॉजिटिव होगा और E2 का डायरेक्शन अपोजिट है तो निगेटिव होगा, दैट इक्वल ये हो जाएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट, परिमाण बराबर है दोनों और ये शून्य हो जाएगा। इस तरह से जो पहला आंसर है जो कि पहले फील्ड के बाहरी पृष्ठ पर वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो हो जाएगा। उसके बाद हम बी का कैलकुलेशन करते हैं, ये दूसरे के बाहरी में, ये पहले के बाहरी फील्ड में है दूसरे के बाहरी फील्ड में, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब ये इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ये हो जाएगा माइनस E1 और प्लस E2 दैट इक्वल माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू, दोनों यहाँ पर कैंसिल, दूसरे फील्ड में भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और तीसरा जो सेंटर है दोनों के मध्य C, दोनों के मध्य यदि हम दोनों के मध्य यदि कैलकुलेट करें तीव्रता तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 और दोनों का वैल्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड होंगे टू कैंसिल हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट
और सिग्मा का वैल्यू अपने को पता है, ये 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 और एप्सिलॉन आर का वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 17/8.854 और इंटू ये तो हो जाएगा 10 टू द पावर 12, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 10। 17 में इसको हम कैलकुलेटर से डिवाइड करके बता देते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, इसका वैल्यू न्यूटन पर कूलम। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए। इस फील्ड में जीरो हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, इस फील्ड में जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इस फील्ड में डायरेक्शन सेम होने के कारण दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का। देखिए वीडियो लंबा है, थोड़ा पेशेंस के साथ आपको न्यूमेरिकल्स करना होगा, ये पेशेंस आपको डेवलप करना होगा। यदि आप अभी से मेहनत करके ढंग से न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं धीरे धीरे न्यूमेरिकल की स्टैंडर्ड को बढ़ाते हुए लास्ट में आपको मैं IIT JEE और NEET दोनों के बेस पर बहुत अच्छे से स्ट्रांग कर दूंगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज करिए, सेकंड फार्मूला लर्न कीजिए, फिर NCERT के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कीजिए, जिसका मैंने आज पहला वीडियो बनाया। बाद में इसका जब मैं सेकंड पॉइंट बनाऊंगा तो उसमें मैं मिसलेनियस टाइप के जो डिफरेंट ईयर में जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर करूंगा। बहुत पेशेंस के साथ आपने इस वीडियो को देखा। ओके, थैंक यू।